देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ देश भर में खुशी व उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी के चलते आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ भी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। सीआरपीएफ के जवान देश भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए साइकिल रैली निकाल रहे हैं, जिसमें 25 सीआरपीएफ के जवानों का दल शामिल है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर को जम्मू एवं कश्मीर से हुई थी। ये साइकिल रैली सोनीपत के खेड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंची थी और वीरवार को सुबह इस साइकिल रैली को चंडीगढ़ से पहुंचे सीआरपीएफ के आईजी मूलचंद पवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली 810 किलोमीटर का सफर तय कर 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली में समाप्त होगी। इस मौके पर आईजी मूलचंद पवार ने बताया कि इसमें संदेश यही है कि साइकिल चलाने से शरीर तंदुरुस्त व मजबूत रहता है, साथ ही वातावरण में प्रदूषण भी नहीं फैलता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनको नमन करते हुए उनकी कुर्बानी को भी याद किया जा रहा है। चली थी यहाँ पहुँचने के बाद किस तरह से मान सम्मान के साथ आगे जा रही है, कुल कितना किलोमीटर, कितने इसमें जवान शामिल है? जैसा कि आपको पता है कि देश के 75 वर्ष आजादी के अगले वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उसके उपलक्ष में जो हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि और उसी के तहत ये जो साइकिल रैली है इसमें करीबन 25 हमारे साइकिलिस्ट हैं जो जम्मू से चले हैं और 810 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा करके ये 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेंगे। वहां पे महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सर, किस तरह का संदेश दिया जा रहा कि पर्यावरण का भी एक तरह से संदेश है? हाँ, ये इसमें आप देखिएगा जो आज़ादी के महोत्सव अमृत महोत्सव में हम लोग जो सबसे पहले यही देश में जागृति लाना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, अपना जीवन न्यौछावर किया, और जो सेना भी जो जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है, सीआरपीएफ भी उसी तरह से एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। और यही संदेश हम सभी देशवासियों को देने जा रहे हैं कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, आज देश के सामने आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, और देश की एकता और अखंडता के लिए अगर अपने प्राणों की बलि देनी पड़े, शहादत देनी पड़े, तो हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए।